ये कितने एंजॉय किया इस म्यूजिक वीडियो के बाद में? मुझे तो आई रियली रियली एंजॉय शूटिंग दिस म्यूजिक वीडियो. तो इस गाने में एक थोड़ा दो तीन हुक है गाने की लाइन के, वो जो वाला है. सो द सॉन्ग स्टार्टअप विद दैट. सो मैं जानती थी कि उसमें कुछ ना कुछ तो स्नीकी एलिमेंट है, इसलिए उसका नाम स्नीकी का नाम रखा है. एंड उसमें वी हैव इंडियन इन्फ्लुएंसेस, लैटिन इन्फ्लुएंसेस सब गाने में. एंड आई वर्क विद पाबलो मुंडिया हु इज एन एमी विनिंग प्रोड्यूसर. सो जब गाने का सब सेट था, मैं जानती थी कि इसका मुझे थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट चाहिए. मुझे एक डांस सॉन्ग चाहिए लेकिन जो थोड़ा अलग है. तो जब मैं मुदस्सर जी से मिली और उन्होंने जब कॉन्सेप्ट हमें बताया, वो थोड़ा जो पहले ना घरेलू वाला और फिर उसके बाद पहले तो अलग कॉन्सेप्ट था. पहले हाउस पार्टी करेगी और ये सो के उठेगी बेडरूम से और देखेगी बाहर आके क्योंकि हॉल में पार्टी चल रही है और फिर वहाँ पे पूरी पार्टी होगी, पार्टी होगी, तैयार होगी और पार्टी करेगी. वो था बट हमको बंगलो मिला नहीं. हमको चाहिए हाउस पार्टी और लोकेशन बहुत अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था और वो पूल पार्टी बंगलो चाहिए था. फिर मैं उसको बुलाया रवंती हुए, लोकेशन अच्छा मिल नहीं रहा है वो डेट में. तो और फिर अचानक से मुझे किसी बंदे ने एक अच्छा क्लब बताया जो अंधेरी में ट्रैकमिल करके क्लब है जहाँ पे वो आशिक बनाया शुरू. तो किसी ने बोला भाई वो भी नया नया बनाया वहाँ पर आप करो. ट्रैकमिल वाले अच्छे मेरे खास पहचान के थे, उन्होंने बोला कि भाई हम चाहते हैं कि आप ये शुरुआत हमारे क्लब से म्यूजिक वीडियो स्टार्ट करो बिकॉज हम ओपनिंग कर रहे हैं. तो इनके ही सॉन्ग से उनकी उस सॉन्ग की क्लब की ओपनिंग हुई थी. एंड फिर क्लब में आया तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं बिकॉज ये इंग्लिश गाना है और है ये हिंदी इंडियन बट ये गाने इंग्लिश कर रही है और तो ऐसा कुछ हिंदी इंग्लिश इंडो वेस्टर्न कुछ करते हैं. तो इसके लिए मैंने उसको बोला कि यार एक लड़का देखने आए हुए हैं तुमको, लड़के वाले आए हुए हैं लड़की देखने के लिए और वहाँ पे ऐसा कुछ होता है और वहाँ से हम स्टोरी घुमाते हैं कि लड़का बोलता है कि माँ बाप बोलते हैं कि जाओ अकेले में बात कर लो. वो बोलती है कि हाँ क्या करते हो आप? तो बोला मुझे तो पार्टी करना पसंद है. बोलती है मैं भी पार्टी करती हूँ. कट्टू फिर उसकी फ्रेंड का फोन आता है कि तू आ जा, चाय वाय बनाने जाती है, वो सीधा उधर पार्टी में पहुँच जाती है. फिर वो लड़के को मैसेज ये करती है कि तुम आ जाओ ये लोकेशन पर, ये वहाँ पहुँचते देखते तो ये मेरे से बेटर पार्टी करते. तो वो एक जैसे अपने बॉलीवुड में गाने में कुछ ना कुछ कहानी करके हम एक बनाते हैं जो लॉजिस्टिकली भी रहे और उल्टा भी नहीं रहे. तो ऐसा हमने कुछ मजे लगा. और जो इस गाने का बहुत ग्लोबल अप्रिसिएशन हुआ है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जैसे मुदस्सर जी बोल रहे थे इंडो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. तो ऑफकोर्स यू नो हमारी देसी अवतार तो है उसमें, बट उसमें ग्लोबल अपील भी है. लोग सब लोग दुनिया भर समझ सकते हैं कि जो ट्रेडिशन वाला अवतार है और एक थोड़ा मॉडर्न सा, उसका बैलेंस कैसे करें. तो ये इसमें तो दोनों दिखाए हैं. और हाँ, लोगों का सबसे नंबर वन कंप्लेंट है कि मैं चाय बनाती क्यों नहीं पार्टी में. हां उसका एक कमेंट है. सो वी टॉकिंग अबाउट इट. पार्टी पर्सन आर यू? हम जीरो पार्टी पर्सन है. ये बोल को वाली के गाने ही बनाते रहते हैं. इसको देख के लगता है कि क्या पार्टी करती होगी, अरे घर में मिलेगी. और ये नहीं, ये स्टूडियो में रहती है. जो ट्रेनिंग आपने लिया है और वो जो एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग के दौरान उसके बारे में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे. जी, तो मेरी बेसिक ट्रेनिंग है हिंदुस्तानी क्लासिकल में. मैं डॉक्टर प्रभात रे से सीखती हूँ. वो किराना घराना की तो फॉरमोस्ट क्लासिकल वोकलिस्ट है, पद्म भूषण अवार्ड विनर है. तो उनसे मैं कई सालों से सीख रही हूँ और मेरी यही बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी तो ऑफकोर्स ट्रेडिशनल क्लासिकल प्योर वोकलिस्ट हैं लेकिन वो मेरे ये गाने में बहुत सपोर्ट करते हैं बिकॉज उनको क्या लगता है कि मैंने क्लासिकल का बेस लेके, फाउंडेशन लेके थोड़ा ग्लोबल स्टेज पे लाया है. बिकॉज मेरे जो सब गाने हैं ज़्यादातर इंग्लिश में हैं, उसमें कई कई ऑफकोर्स हिंदी के शब्द होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उसका मेरा यही ख्वाहिश है कि इनके सब गाने के साथ, यू नो, इवन इफ देयर इंटरनेशनल, इवन इफ देयर इन इंग्लिश, दे हैव दैट देसी एलिमेंट, दैट दे हैव दैट देसी फ्लेवर. सो वी कैन टेक इंडिया टू अ ग्लोबल स्टेज, यू नो, सो दैट द वर्ल्ड द सेम वे आजकल स्पेनिश गिटार और अफ्रीकन ड्रम सब इंटरनेशनल गाने में होते, हमारे भी देसी एलिमेंट्स होने चाहिए सब इंटरनेशनल गाने में. और मैंने मेरी आधी ज़िंदगी यहाँ पे बॉम्बे में बिताई है और आधी ज़िंदगी मैं US में, तो मेरा तो एक कदम इधर एक कदम उधर हमेशा आता रहता है. सो फॉर मी रिप्रेजेंटिंग दैट डुअल आइडेंटिटी एंड दैट डुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि गुरुजी का मेरा सपोर्ट है.
regarding your future planning, I mean, how are you going to manage your career? You are going to concentrate more on your Western career, or you know, you are concentrating on the Bollywood kind of thing? I think in today's world, you know, till about, I would say, 10 years ago, Bollywood was the main music industry in India. But aajkal, you have so many independent artists, and you have so many artists jinse unka start independently hua hai aur phir wo Bollywood mein gaye, jaise Mika Singh ko dekh lo ya jo bhi hain, you know, you have Pratik Kuhar who's in the independent space. So I don't think either one is at war with one another. You can do both so long as you're representing your brand and your identity at a global stage. Mujhe ye, I'm very happy ki yahan pe bhi recognition milta hai, wahan pe bhi recognition milta hai. So to me it's about balancing the two and, you know, being a part of projects in both. मुझे आपको जानना चाहूँगा, काफ़ी दिनों से आप भी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो हाल फिलहाल में जो देख रहे हैं माहौल, यू नो, जैसे रीजनल अमेंडमेंट बिल एन आर सी, इन लोगों को लेकर जो इंडस्ट्री का रवैया, उसके ना क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं? व्हाट यू वांट? देखिए, मैं तो मेरा सबसे पहला ये है कि मैं इंडस्ट्री में आया हूँ तो मैं काम करने के लिए आया हूँ, तो मैं उसके अलावा ज़्यादा मैं इतना पोस्ट भी नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं करता हूँ. कभी कभार पोस्ट भी करूँगा तो कुछ चैरिटी वैरिटी का करूँगा. मैं ये कौन किसके अगेंस्ट है, मैं उससे थोड़ा दूर ही रहता हूँ. बट या ऑफकोर्स ये क्योंकि वो इंटरनेट ही सिर्फ एक जरिया नहीं है, तरीका नहीं है आपको आपकी दिल की बात सुनाने के लिए. आप आपके दोस्तों को भी अपना दुखड़ा सुना सकते हो, तो मैं अपना वहाँ पर भी दुख निकाल के आता हूँ. बट या ऑफकोर्स सारे इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोग हैं जो हमारे जो इसके अगेंस्ट में हैं, और अनुराग कश्यप इनको मैंने देखा वहाँ पर होर्डिंग लेते हुए, तो उनकी पूरी गैंग में अपने काफ़ी पहचान वाले हैं, तो बोल रहे थे मुझे कि तुम भी चलो. बट मैं वहाँ पर गया नहीं क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था, तो दैट्स व्हाई मैं नहीं गया. तो मैं भी आपको वहाँ पे वो लेके खड़ा हुआ दिखता था. और हाल में जो दीपिका जेएनयू गई थी, उसके ना क्या कहने के, आई थिंक यार वो लड़कियाँ आजकल बॉलीवुड में जितनी हिम्मत दिखा रही है, मुझे लगता नहीं कि कोई मर्द लोग दिखा रहे हैं. तो वो ज़रूरी था वो चीज़ करना, वो बता सी अभी वो उनका है कि मूवी का भी है टाइम है, एंड शी इज़ ऑल्सो एंड शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी आई थिंक. तो वो चाहे कोई भी चीज़ के लिए हो, वो बेसिकली वो जो लड़की को चोट लगी है वो शायद उनके लिए भी गई होगी, बिकॉज इट्स रियली अ गुड गेस्चर टू गो समवेयर एंड सी सम पीपल. बाकी आई डोंट नो लोग क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में जो गर्ल्स हैं वो आज जो स्ट्रॉन्ग चीज़ पे हर एक में आगे आ रही हैं, कुछ ना कुछ बातें कर रही हैं. आई थिंक ये बॉयज़ को सीखना चाहिए उन लोगों से. अवंती कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड डूइंग इंग्लिश सॉन्ग्स, सो वेयर इज योरसेल्फ इन फ्यूचर? आर यू गोइंग टू कंपीट विद शकीला? I'm going to compete. I don't know if I can compete with Shakira, but that is an amazing, she's an incredible role model. No, ye bas itni kyunki ye bahut talented hai. Thank you. Ye, she is really talented. I mean, maine iska sirf ek hi gana nahi, aap inke baaki gaane bhi dekhiye, and she can sing in both and amazing. She is very talented. सर जे एन यू पे कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से यार मैं बहुत ही छोटा हूँ और एकदम मतलब बहुत ही मतलब छोटी जगह से आया हूँ, तो मेरे को ना ये अपनी कंट्री में मतलब 150 करोड़ लोग हैं, और 150 करोड़ के 150 करोड़ अलग दिमाग हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट था. हाँ, इतना तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बस यही है कि हम यहाँ पे इस सॉन्ग के प्रमोशन के लिए आए हैं, सो आई फील आई शुड फोकस ऑन माई करियर फर्स्ट. जब कुछ बन जाऊंगा तब थोड़ी हिम्मत रहेगी तो बोलूंगा. निर्भया केस में चारों आरोपियों को 22 जनवरी को फांसी की सजा दी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी फिर से बोलिए. निर्भया केस जो दिल्ली में, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज हैप्पी, द होल कंट्री इज हैप्पी, और हो गया, देर हुआ दुरुस्त हुआ, लेकिन बहुत बड़ी बात है, और ऐसे सभी के लिए होना चाहिए, तो सभी हम सभी हमारे देश की लड़कियां सेफ रहेंगी. उसके बाद जो शब्द है किसी को नहीं मालूम क्या है, लेकिन उसमें नहीं लैटिन में मैं क्या सोच रही हूँ, ये गाना जो मैडोना का पुराना गाना है लाइस ला बोनिता, तो मैं दो लाइन गाती हूँ उसका. Last night I dreamt of San Pedro, warm wind carried on the sea, he called to me, te dijo te amo, oh, I prayed that the days would last, they went so fast, tropical the island breeze, all nature wild and free, this is where I long to be, la isla bonita. And when the sun
play. The sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby.